ये है दिल्ली दर्पण। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली में भी पिछले कई दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में रहने वाले गरीब और मजदूर लोग खाने और राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से कांग्रेस के पूर्व विधायक जयकिशन के घर पर आज सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिनके हाथों पर दिल्ली की आप सरकार द्वारा राशन के लिए जारी ई कूपन थे। और यहां लोगों ने स्थानीय आप विधायक और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा और उन्हें इसके लिए इस गर्मी और कड़ी धूप में घंटों घंटों तक खड़े रहना पड़ता है और फिर भी उन्हें राशन नहीं मिलता। यहां पहुंचे लोगों ने स्थानीय एमएलए और सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 26 तारीख आज इतने दिन हो गए, हमको राशन नहीं मिल रहा, मैं डेली जा रही हूँ, मेरी लड़की दोनों टांगों से जली हुई है, उस छोटी सी बच्ची को छोड़ के डेली निकलती हूँ, डेली हमें इधर से उधर उधर से उधर भगाते हैं। वो क्या नाम है उसका, वो कौन सा विधायक है, क्या नाम है, जयराम के घर गए, उसके ऑफिस गए, उसने हाँ जयराम मेरे तो नाम याद आ गया, तो उसने हमें उल्टा सीधा बोला, हम खूब हाथ पैर जोड़े कह रहा तुम्हें मिल जाएगा, चार दिन की मोहलत दी लेकिन उसने कुछ नहीं करा। मेरी बहू विकलांग है उसका था और वो बहुत चक्कर काटते, किस तारीख को निकला हुआ था उसका, उसके दो बच्चे हैं, विकलांग आदमी विकलांग बहू है, उनको राशन नहीं मिल रहा, मैं उनके सास हूँ, मैं उनकी मदद करती हूँ, भागती हूँ, कभी मुकेश अलावत के कहते दफ्तर बंद कर देता हूँ, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिलता, जब लोग मिलते तो हमें भगा देते, या तो कूड़ा डालेंगे या पानी डालते हमारे ऊपर। यहाँ जयकिशन से गुहार लगाने पहुंची भीड़ का गुस्सा फूटा और लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप विधायक मुकेश अहलावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पूर्व एमएलए जयकिशन ने कहा कि आप सरकार पूरी तरह हर मोर्चे पर फेल हो गई है और जनता लोगों को गुमराह कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मेरे घर पर तो रोज ही 10-15-20-50 लोग आते हैं रोजाना, मेरा रजिस्टर में बहुत सारी एंट्री है, मैंने कांग्रेस रसोई के माध्यम से और दूसरा सूखा राशन भी हजारों लोगों को पार्टी की तरफ से वितरित किया है। अब सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, सरकार की करतूत को आपके सामने है, सरकार पहले जमात के नाम से साजिश रचती रही, ढिंढोरा पीटती रही, अब ये जो सैकड़ों मरीज रोज निकल रहे हैं ये सारे जमात की गलती तो है नहीं। दूसरा जो है, जो सरकारी कर्मचारी की तनख्वाहें हैं उनको सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार ने उनकी जीरो कर रखी है और सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपने हक की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार कोरोना पीड़ितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमित लोग या उनके परिजन मदद न मिलने पर अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं दिल्ली की आप सरकार के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।